Yes, friend, good morning, everybody. Welcome to online classes. As we see, I standard trial subject biology at the topic of the oogenesis. Oogenesis are important, most important point to be discussed in this video, and this we discussion to new important point. So, that is the first point. The tertiary follicle undergoes the certain change to the mature in the graafian follicle. Graafian follicle के मेच्योर होने से द ओसाइट गेट ग्लाइकोप्रोटीन डिपॉजिट टू फॉर्म तो फॉलिकल जो ग्राफियन फॉलिकल है उसके ओसाइट से ग्लाइकोप्रोटीन का डिपॉजिट होता है द फॉर्म ए द नॉन सेलुलर इसका जो फॉर्म है वो नॉन सेलुलर है क्वाइटिंग द कार्ड जोना प्लेसिडा क्वाइटिंग ऑफ द कार्ड दैट इज द पार्ट ऑफ द graphene molecule for the surrounded type structure of the zona, zona placida, around it, zona placida, जो है वो मुख्यतः जो graphene molecule है, उसके चारों ओर present रहती है। The graphene molecule rupture, जब graphene molecule है, वो graphene molecule फटती है, तो secondary oocyte, यानी ovum की formation होती है, और इससे ovum release होता है। तो जब ovum release होता है, form ओवरी से ओवम जो रिलीजिंग है वो इससे ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हुई और रैप्चर होने के बाद में ठीक ओसाइट या सेकेंडरी ओसाइट की फॉर्मेशन हुई या इससे ओवम फॉर्म द ओवरी और ओवरी जो है उससे ओवम का सिक्रीशन हुआ और द रिलीज ऑफ द हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट यानी सेकेंडरी जब सेकेंडरी ओसाइट या ओवम फ्रॉम द ओवरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सच इज कॉल्ड द ओवुलेशन यानी जो ओवुलेशन है उस ओवुलेशन के लिए नेसेसरी जो हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये मुख्यतः एंटीरियर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर एंड से साबित होने वाला हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ये हार्मोन जब रिलीज होता है तो ओवम बाहर निकलता है ग्राफियन फॉलिकल से और ग्राफियन फॉलिकल से ओवम बाहर निकलने की जो प्रोसेस है इसी को हम ओव्यूलेशन कहते हैं ओव्यूलेशन कहते हैं द रिलीज ऑफ द हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम द ओवरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग सर्ज इज कॉल्ड एज द ओव्यूलेशन और ओव्यूलेशन के द्वारा ही ओवम की फॉर्मेशन होती है तो उधर तो आपने स्टडी कर लिया था स्पर्मेटोजेनेसिस उससे स्पर्म की फॉर्मेशन हुई थी और जो ओजेनेसिस से ओवम की फॉर्मेशन हुई अब होगा क्या कि ओवम की फॉर्मेशन हो चुकी है एंड स्पर्म की फॉर्मेशन हो चुकी है तो इसका जो डिटेल नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इसका रिप्रोडक्शन पर आएगा कि रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन में या फर्टिलाइजेशन इसको हम डिसीजन कहते हैं इसका डिटेल जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे थैंक्स वॉचिंग